नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इन दिनों वसई विरार अंतर्गत एक मामला काफी गरमाया हुआ है। दरअसल मामला है एक महिला का ऑडियो वायरल होने का, जिस ऑडियो में वह महिला एक युवक से पुलिस को देने के नाम पर पैसे की मांग कर रही है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए, ये ऑडियो 3-4 मिनट का है, ये ऑडियो सुनिए, इसके बाद इस पूरे मामले पर मैं आगे बात करता हूँ। मदन भाई, दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वो अभी फिलहाल अपन उनको कितना देंगे उनका, एक बार मुंह शांत होएगा पुलिस वाले का? उसको मैंने वो नहीं मांग रहा था, कल एक का डिमांड किया था, मालूम है चिल्लाया पवार ने, उसको बोला ऐसा नहीं होता है कुछ, तो हमारा इज्जत रखो, तो उसको 50 देना है। तो लेकिन दीदी वो मैं वो भी उधर गया था ना कन्ना भाई के पास, तो वो फोन करके बोल रहे कि शाम तक करवाऊंगा, होएगा तो, बाकी अभी तो मैं भी बाहर आया हूँ, उसका आदमी बैठा है ऑफिस पे, मैं गया था, लेकिन बोल रहे कि अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं हो पाएगा, और चेक लेके आना। चेक तो मैं लेके आया हूँ, मेरे पास चेक पड़ा है चेक देने के लिए, भले वो 10% मेरे से लेगा मैं दूंगा उसको, लेकिन मैं वो बोल रहा है कि शाम को 4 बजे तक मैं पैसा कर पाऊंगा। महाराज अभी मैं खुद बाहर आया हूँ, मेरे आदमी को बोल देता हूँ। अरे तो कुछ तो उसको दे, मैंने 50 उसको देना है, फिर वही बोल रही हूँ, पवार ने पूरा सब सेट करके रखा है, मैं वही बोल रही हूँ ना, तो वही पवार का तो चलो ठीक है, मैं कल तक करवा दूंगी, लेकिन इसका तो आज 50 देना पड़ेगा, इसको पूरा 50 देना पड़ेगा। अरे समझो मदन भाई, मैं बताया उन लोग है ना नहीं सुन रहे, मालूम है मेरे को भी, मतलब अब मेरे को कुछ नहीं पता है, वो आपके घर वालों को उंगली करेंगे, आपके घर वालों को उंगली कर रहे हैं वो, एक बार पैसा दे दूंगी ना तो क्या है, मालूम है आपको घर वालों को चढ़ाएगा नहीं वो, मालूम है क्या? अच्छा, लेकिन वो आपकी ना 4 बजे के लिए मेरे को बोला उसने कि मैं 5-6 जगह पे गया दीदी पैसा लेने के लिए ब्याज पे, लेकिन हाँ। वो लोग बोल रहे कि चार, वो जो कन्ना भाई है ना वो बोल रहे कि 4 बजे तक मैं बाहर आया हूँ महाराज, और वो किधर पैदल यात्रा गए हो भगवान को दर्शन करने के लिए, बोलते हाँ। मैं 4 बजे तक अरेंज करवाता हूँ, मैं महाकाल वाले को लेके गया था, पान वाला है ना अपने नीचे पान वाला, हाँ, तो भी साथ में लेके गया था, मैं बोला भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, वही दिलवाता है ना। अच्छा हाँ, तो बोलता 4 बजे कितना अरेंज हुआ है? मेरे पास जो कल पड़ा था वही है, 17-18 हजार रुपए पड़ा वही है। तो उसको कम से कम मैं अभी बोलती हूँ कि 20 अभी लेके जाओ, बाद में 30 शाम को ले लिया था कुछ बोलती हूँ, नहीं तो ठीक है दीदी मैं बात करो उसको करती हूँ, क्योंकि मैं वही बात करो। और मैं क्या बोल रही हूँ मदन भाई प्लीज, हमें आज का दिन है ना, क्योंकि फिर पता है बात कर ली आगे पैसे का, आज का दिन खाली है ना, पुलिस वाले को बोलूँ आज का दिन थोड़ा अरेंज करे, मैं जैसे जैसे भी मदन भाई आपको बोलूँ, मेरा ना फिर सुशांत है ना मेरा कोई काम नहीं करेगा, आपको डायरेक्टली बिठा मैं ले जाके बिठा दी मदन भाई, समझे ना, आपको पता है आप अगर बेल वेल भी कराते ना आपका 2-2.5 लाख रुपए ऐसे ही चला जाता, समझो बात को यार, पता है वो आपको मालूम है, वो जो डिटेक्शन में लेके गए ना, किसी को पूछो डिटेक्शन का क्या मैटर रहता है, मैं आपको वहां से ना आपको पूरा मतलब आपका नाम भी नहीं चढ़ने दी हूँ मैं किधर भी मदन भाई। ठीक है दीदी मैं करता हूँ अरेंज, 4 बजे तक मैं करवा दूंगा अरेंज। मैं वही बोल रही थी ना, रिक्वेस्ट करो ना थोड़ा, मैं चेक दे दूं चलेगा क्या दीदी, उनको चेक दूं चलेगा क्या? अरे पागल हो क्या, वो लोग चेक लेते क्या, पुलिस वाले काम करते हैं यार। अच्छा, वो लोग कैश लेंगे, वो लोग ऐसा नहीं, उन लोग नहीं लेंगे, भड़क जाएंगे आप, कल को आप उसको फंसा दिए तो कि मेरे से पैसा लिया था तो नहीं ऐसा थोड़ी, मैं वही बोल रही हूँ किसी को ना मदन भाई पूछो डिटेक्शन में आपका, और मेरा छोड़ दो, सुमित्रा तो थी वहाँ पे, उसने तो खुद सब देखा, आपका नाम हम सब पूरा पड़ा है वहाँ पे, ऐसा तो आप, चलो मैं बोल रही हूँ ना, सुमित्रा ने सब देखा हुआ है ना मदन भाई वहाँ पे, ठीक है, और पुलिस वाले ना मालूम है, मेरे को ना वही बोल रही, मेरा रिलेशन मत खाली खराब करो मदन भाई, ठीक है जी, नहीं करूंगा खराब, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ जी जी बोलो मदन भाई, गलत है यार, मैं गलत है, बहुत गलत है यार मदन भाई, कसम से बोल रहे ना, आज के बाद है ना आप मेरे को कभी कोई काम मत बोलना, मेरे को इतना गाली पड़ा है ना मदन भाई, मेरा इज्जत का ना पूरा ना सत्यानाश करके रखा, मेरे से गलती हुआ, मैंने कल आपको अंदर करा के आज छुड़ाती थी ना तो ज्यादा अच्छा रहता था। नहीं जी सुनो ना, मैं है ना जी में आया हूँ, अपना जीएमबे ऑफिस है ना, उनके पास सचिन भाई नहीं है, सचिन भाई उनसे पैसा ले रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं ना उधर ही है ना, मैं 15-20 मिनट में ना मेरा फोन उठाना, देखो वो ना पुलिस वाला मालूम है ग्लोबल सिटी में आया हुआ है, अच्छा। मेरे को बोलता है उसके घर पर लेके चलो, मैंने बोला मैं लेके चलती हूँ, आपको पता है मदन भाई मेरा इज्जत का इतना, मैं इसलिए उसको पूछो सुमित्रा को पूछो, मैं कल इतना लड़ गई, मेरे को अगर इतना रहता ना मदन भाई तो मैं एडवांस आपसे लेती, बोलती इधर बैठे रहो करके, किधर से अर्जेंट में आके पैसा लेके आते, सचिन भाई आ रहे हैं, मैंने उनको पैसे का बताया, सचिन भाई को बोलता क्या हुआ अर्जेंट हुआ है, मैं बोला कुछ बोला नहीं, मैं बोला भाई मेरे को जरूरत है, मैं उधर जेएमबी ऑफिस में बैठा हूँ, वो आ रही है, आप उधर रुको, मैं 20 मिनट में मैं उधर ही आती हूँ। आपने ऑडियो सुना, ये ऑडियो है विरार की एक सामाजिक कार्यकर्ता सुदीप्ति सिंह का, जो कि मदन प्रजापति नाम के एक शख्स से बात कर रही है, और मदन प्रजापति जिसका अपना कुछ निजी मामला था पुलिस स्टेशन में,
उसको लेकर मदन प्रजापति ने जब इनसे मदद मांगी, तब सुदीप्ति सिंह ने नालासोपारा पुलिस स्टेशन के अधिकारी को पैसा देने के नाम पर इनसे पैसे की मांग की, ऐसा आरोप ऐसा इस ऑडियो में चाइल्ड तौर पर कहा जा रहा है। खैर, जब मामला उछला, क्षेत्र के कई पत्रकारों ने खबर लगाई और मामला पुलिस के संज्ञान में आया, तब कहीं न कहीं पुलिस की होती हुई बदनामी को रोकने के लिए पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सुदीप्ति सिंह और उनके साथ दो अन्य लोग के खिलाफ खंडनी का मामला दर्ज किया। खंडनी की एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद में एफआईआर क्यों दर्ज हुई, क्या उसका मामला था, उसकी जानकारी खुद नालासोपारा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई विलास उपे ने मीडिया को दी। तो ये तो बात हुई सुदीप्ति सिंह का ऑडियो वायरल हुआ और उन पर गुनाह दर्ज होने की। अब बात करें कि सुदीप्ति सिंह आखिर है कौन। तो सुदीप्ति सिंह का ऐसा बताया जा रहा है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनकी अपनी एक संस्था से जुड़ी हुई राष्ट्रीय मजदूर संघ ऐसे कुछ संस्था का नाम है और उसके बैनर तले ये काम करती है। लेकिन बीच बीच में ऐसी भी बातें उठ रही है कि सुदीप्ति सिंह भाजपा पार्टी की पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है। तो इसको लेकर कई लोगों ने खबर की, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि ये भाजपा पदाधिकारी है। तो इस पर वसई विरार भाजपा जिलाध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए ये कहा कि ये भाजपा की पदाधिकारी नहीं है। हमने भी इसकी पड़ताल करने के लिए इनके ट्विटर हैंडल को खंगाला, सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले, तो वहां पर बीते कई सालों के दौरान सुदीप्ति सिंह का कोई ऐसा पोस्ट नहीं मिला कि जिसमें वो भाजपा से सीधे संबंधित दिखाई दे रही हो। सिर्फ एक पोस्ट 2018-19 की थी, उस पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोटो है और साथ ही साथ सुदीप्ति सिंह का फोटो है और एक विरार के स्थानिक भाजपा नेता का फोटो है। उसके अलावा प्रोटोकॉल में जो फोटो होते हैं वो फोटो भी उस पोस्ट में नहीं है। प्रोटोकॉल जो भी है पार्टी का रहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो हो, उनके पार्टी अध्यक्ष, तब के अध्यक्ष, उनका प्रोटोकॉल है, राष्ट्रीय नेता, राजकीय स्थानिक नेता, फिर स्थानिक नेता, स्थानिक जिलाध्यक्ष, उनका किसी का भी फोटो उस पोस्ट में नहीं है। लेकिन अब सवाल यही है कि जब आज उनके नाम के साथ बीजेपी जोड़ा जा रहा है, तब बीजेपी इसका खंडन कर रही है, बीजेपी जिलाध्यक्ष खंडन कर रहे हैं कि वो हमसे जुड़ी हुई नहीं है। तो जब 2017-18 में उन्होंने ये 17-18 या 18-19 में जब उन्होंने ये पोस्ट वायरल की थी, तब क्यों नहीं उनको रोका गया, यह सवाल बड़ा। इस पोस्ट में वो अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी दिखा रही है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये सुदीप्ति सिंह जिस तरह से भाजपा से जुड़ी हुई थी, उसी तरह से इसका मेलजोल आगरी सेना से भी था। कई पोस्ट है ऐसी सोशल मीडिया पर सुदीप्ति सिंह की जिसमें यह आगरी सेना को खुलेआम समर्थन करते दिखाई दे रही है, आगरी सेना के साथ में खुलेआम खड़ी है। तो कहीं ना कहीं अब इनके तार कहां तक जुड़े हुए और ये सुदीप्ति सिंह ने क्या इस पूरा ये मामला है, इसकी तो जांच एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद में सब क्लियर हो ही जाएगा। आपको यह भी बता दें कि जब सुदीप्ति सिंह का ये ऑडियो वायरल हुआ था और मीडिया में खबरें चलने लगी, पत्रकारों ने खबरें लगाई, तब कुछ पत्रकार ने सुदीप्ति सिंह का बयान लिया था और सुदीप्ति सिंह ने अपने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा कि मैं तो उसकी मदद करने गई थी, उसने मिसगाइड करके ये गलत ऑडियो वायरल करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। खैर, सुदीप्ति सिंह का यह दावा कहां तक सही है नहीं है, लेकिन अब मामला चूंकि कानूनी दाव पेज में है, पुलिस में मामला पहुंच चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। अब देखा यह जाए कि जांच के बाद में इस मामले में क्या निकल के आता है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। उठा था कि 50,000 रुपए की खंडनी मांगी जा रही थी किसी व्यक्ति से पुलिस के नाम पर, तो इस विषय में पुलिस द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है उस महिला के ऊपर?
देखो, एक सुदीप्ति नीरज सिंह नाम की महिला है, वो जो मदन राजपुरोहित नाम का एक आदमी है, उसके बारे में पुलिस स्टेशन में आई थी। उसका मिसिंग पर्सन के मामला था, वो जो मिसिंग महिला थी उसका और मदन सिंह पुरोहित का फ्रेंडशिप थी, तो उसके हस्बैंड को लगा था उसके साथ गई है, उसके लिए उसको बुलाया था। पुलिस ने मिसिंग में एक तो पैसा मांगती ने वो मेरे सामने ही खड़ा किया था उसको, तो उसका स्टेटमेंट ले लिया और छोड़ दिया। तो वो महिला ने उसके पास पुलिस पैसा मांग रही, पुलिस के नाम के ऊपर 50,000 की मांग की, तो ये न्यूज़ आ गई। तो उसको हमने बुलाया, उसका स्टेटमेंट लिया, अभी गुनाह दाखिल किया है, तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। सुदीप्ति सिंह से आप लोगों की कुछ बातचीत हुई? वो मिसिंग के बारे में बातचीत हो गई, वो महिला के साथ आई थी, जो मिसिंग पर्सन महिला थी उसके साथ में वो आई थी, उसके बारे में उसका संसार मत ये करो अच्छे है, यही बात हो गई थी। सर आज एक ऑडियो वायरल हुआ, उसने बोला है कि एक हवलदार जो है PI को सेट करता है, उसको पैसा दिया जाता है। ये सब झूठ है, नाला सपरा पुलिस स्टेशन में ऐसा होता ही नहीं, जो होता है सब क्लियर काम चलता है। सर गुन्हे काय काय दाखल केलेत त्यांच्यावरती, कोणत्या कायद्या अंतर्गत? खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। जैसे कि सर मदन को ये धमकाया गया था कि आपके ऊपर चोरी का गुनाह दाखिल हुआ है, आपके ऊपर फाइल है और डिटेक्शन में है, और डिटेक्शन से मैंने आपको बचा के लाई। ये सब गलत है, ऐसा कुछ गुनाह ही दाखिल नहीं हो गया, वो मिसिंग केस में बुलाया था। जिस ऑडियो वायरल हुआ है उस महिला का कहना है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो अभी इन्वेस्टिगेशन में, उसको अरेस्ट करके पता चलेगा सर, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें देखेंगे। जिस महिला के विषय में इतना सब बवाल हुआ, वो महिला तो अपने पति के साथ में अपने घर में है सर, और उसके बावजूद ये आरोप पुलिस डिपार्टमेंट पे लगाया गया है कि आप लोगों ने डिमांड की। देखो ऐसे कोई कोई लोग रहते हैं, उनका खुद का ये करने के लिए पुलिस के नाम के ऊपर पैसे करते हैं, लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूँ, पुलिस ऐसा कुछ काम करती नहीं। आपको जो लगा तो सीनियर ऑफिसर बैठते हैं, उनके पास सीधा जाने का और बोल देने का ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सब झूठ है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।